कि हमारी लर्निंग अभी तक जो हुई है वैक्सीन की एफिकेसी से, उसको हम अब कैसे लेवरेज करके इस काम को और पूरा करें। इट इज़ क्लियर दैट व्हेन यू गिव टू डोजेस देयर इज़ अ नियर टोटल प्रोटेक्शन ऑफ सीरियस डिजीज एंड डेथ। वी हैव शोन यू दिस डेटा अर्लियर, हमने इसको एम्फेसाइज किया है, और हमेशा दूसरी डोज भी पूरी हो, पूरा टीकाकरण हो, इसको हमने एम्फेसाइज किया है। आज हमने ये भी देखा क्लियरली और बड़े डायनेमिक डेटा के साथ में, और इससे पहले बाकी जो स्टडीज़ अवेलेबल हैं वहाँ से भी निकल के ये आता है कि हमारे जो वैक्सीन नेशनल कार्यक्रम में हैं, प्रोग्राम में हैं, वो वैक्सीन एक डोज के बाद भी सीरियस डिजीज़ और डेथ, डेथ इन पर्टिकुलर 90% से ऊपर आसानी से 92, 93, 96, 95% तक आपको डिफरेंट तरीके से देखें, और इसमें तो क्यूमुलेटिव डेटा दिखाई दे रहा है कि 95-96% तक सेव करते हैं डेथ को। इसलिए क्लियर हो जाता है कि हमारे टूल्स में जिससे हम पेंडेमिक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको बार बार हमने यहाँ हाईलाइट किया है, उसमें जो वैक्सीन टूल है वो हमारी सबसे महत्वपूर्ण शील्ड है, और आगे ये हमें प्रोटेक्ट करेगा, डेथ्स बचाएगा, डेथ्स को कम करेगा, लाइव्स को बचाएगा। गोइंग फॉरवर्ड यू कैन सी हाउ दिस विल चेंज द सिनेरियो वेरी ड्रामेटिकली। इट हैज़ ऑलरेडी चेंज द सिनेरियो ट्रूली स्पीकिंग। आज हमने दिखाया कि 18 एडल्ट पॉपुलेशन में, 18 प्लस पॉपुलेशन में सिंगल डोज 58% पॉपुलेशन को मिल गई है, 58%, और बोथ डोजेस टू 18% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन टुडे, 58%। तो अब बहुत विनती से हम कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति छूट रहे हैं अभी तक, जिन्होंने अपना वैक्सीन नहीं लगाया, वैक्सीन उपलब्ध है, बहुत मात्रा में उपलब्ध है, सब जगह उपलब्ध है, और हमने इतने प्रदेश आज देखे हैं जहाँ पर तो 85% से भी ज़्यादा कवरेज हो गया है। तो ये रिक्वेस्ट है हम सब की तरफ से कि प्लीज़ अपना टीकाकरण शुरू करिए। पहली डोज लगेगी तो फिर दूसरी लगेगी, तो क्या ये टीकाकरण की जो पहली डोज है, जो छूट गए, जो रह गए हैं, कोई भी वयस्क हमारे देश का, पुरुष स्त्री, प्रेग्नेंट वुमन, एवरीबडी शुड कम फॉरवर्ड एंड टेक द फर्स्ट डोज। इस 58% को हमने 100% करना है, और तेज़ी से करना है। जैसे मैंने कहा कि पूरा टीकाकरण तभी होगा जब पहली डोज मिलेगी, तभी तो दूसरी कंड्यू होगा। तो जो छूट गए हैं, आज हम अपील करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी अपनी डोज लें, शुरुआत हो उनका टीकाकरण का, और फिर समयबद्ध तरीके से दूसरी डोज लें। और इसको करने से ये लगभग श्योर हो जाता है कि कोविड की वजह से डेथ जो है वो लगभग ख़त्म हो जाएगी, नहीं होगी उस व्यक्ति में। तो एक ये मुद्दा क्लियर हो रहा है। 72 करोड़ डोजेस लग चुकी हैं, स्पीड बढ़ी है, लेकिन जो रह गए हैं, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। और हम सब की जिम्मेवारी है, जो इसमें नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक, उनको हम अपने उस तरीके से जोड़ें और ये संभव कर सकें कि जल्दी से जल्दी एक डोज कम से कम जो है वो जल्दी से जल्दी सबको मिल सके। दूसरी बात कही गई कि सेकंड सर्ज इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग। आप देख रहे हैं कि ये टेपरिंग लंबी है, लगभग उसी पॉइंट पे स्टेबल है, और आने वाले दिनों में जो हम कंसर्न जाहिर कर रहे हैं, फेस्टिवल्स होंगे, मास गैदरिंग होगी, व्यक्ति इकट्ठे होंगे बाज़ारों में, मंडपों में और पंडालों में, उससे हमने बच के रहना है। फिर याद दिलाना चाहेंगे, एक जिम्मेवारी है अपने लिए भी, समाज के लिए भी, तो भीड़ नहीं करनी है। वायरस को ये पार्टियां, ये भीड़ बहुत पसंद है, और वो इसका मौका उठाएगा, और ये हाईली ट्रांसमिसिबल वायरस है, और जो भी कुछ हो, अभी भी बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी ससेप्टिबल है, और हमें इस पीरियड से बच के वैक्सीन लेके अपने आप को ढाल बना के सो कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी पैदा करते हुए ये टाइम निकालना है। और इसके लिए इन फेस्टिवल्स को परिवार में ही मनाएं तो सबसे अच्छा ही बात है, उसी में सीमित करें। बहुत मौके आएंगे फेस्टिवल्स को मनाने के, ये एक वार्निंग भी कह लीजिए, रिक्वेस्ट भी कह लीजिए, जो हम सब की तरफ से है,
और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और मास्क अभी भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि पहली वेव में था, दूसरी वेव में था। इसकी ज़रूरत किसी भी तरह से अभी कम नहीं हुई है और वैक्सीन पूरे लग भी जाएंगे तब भी ये, जहाँ तक हमें दिखाई दे रहा है, ये लाजमी होगा, इम्पॉर्टेंट होगा। लास्ट में हम देख रहे हैं कि हमारे देश में जो मच्छरों की वजह से बीमारियां हैं वो अब उभर के आ रही हैं। डेंगू की आउटब्रेक के बारे में आप जान रहे हैं, इसी प्रकार मलेरिया का सीज़न भी आना शुरू होता है बरसातों के बाद। इसलिए आज अपील करना चाहेंगे कि अपनी तैयारी इस तरह से भी करिए कि जो मच्छर से होने वाले, खासकर डेंगू और मलेरिया की जो बीमारी है, बुखार हैं, उनसे हम बचें। आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने दें, इसकी देखभाल अभी से करें, मच्छर पनपे नहीं, ये हम आसपास देखें, पहली बात। दूसरी बात है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मच्छरदानी की बात करें, मॉस्किटो रिपेलेंट की बात करें, पूरे अपने आप को कवर करें, ये एफर्ट भी हमें लेने चाहिए। और तीसरी बात है कि कोई भी बुखार हो, जब बुखार हो तो देर नहीं करनी चाहिए। बुखार कोविड भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, हमें सीरियस लेना चाहिए। ये बीमारियां भी एक सीरियस रूप धारण करती हैं और कोविड पे तो नज़र है ही और रहनी भी चाहिए, अभी ये लड़ाई पूरी नहीं हुई है, लेकिन डेंगू से भी जान जाती है और डेंगू का तो अभी हमारे पास वैक्सीन भी नहीं है। तो बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। डेंगू की सीरियस कॉम्प्लिकेशंस जानलेवा होती हैं और किसको ये जानलेवा रूप ले जाए ये भी कहना मुश्किल होता है, और बहुत मेहनत करने के बावजूद भी डेंगू में जब कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है, शॉक सिंड्रोम होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इवन आफ्टर इंटेंसिव केयर। और इसी प्रकार मलेरिया के भी इल इफ़ेक्ट्स हैं। तो रिक्वेस्ट है कि इसकी भी बात फैले और प्रिवेंशन, सजगता, अवेयरनेस इन बीमारियों से बचने की भी साथ साथ चले। इन बीमारियों की लड़ाई भी हमें, कोविड की लड़ाई साथ साथ हमें लड़नी है, अपने आप को बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।